हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ छिपकली के बारे में कुछ बातें। यदि घर में आपको दिख जाए छिपकली तो तुरंत उस पर डाल दीजिए ये एक चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लक्ष्मी आते देर नहीं लगेगी। जी हाँ गाइस, ये बहुत अच्छा नुस्खा और टोटका है गरीबी भगाने का, और हर घरों में छिपकली जरूर होती है। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि घर में दिख जाए छिपकली तो तुरंत उस पर डाल दे ये एक चीज, लक्ष्मी आते देर नहीं लगेगी। कई बार घरों में ऐसा होता है कि लोगों को छिपकली दिख जाती है तो लोग इसे अपशकुन समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग तो छिपकली को देखकर उसे भगाने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि यह कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे हमारा कुछ नुकसान हो। घर में छिपकली का दिख जाना एक सामान्य सी बात है। ये मात्र एक जीव है, किंतु जीव जंतु और मनुष्य को प्रकृति का एक अहम हिस्सा माना गया है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि हिंदू शास्त्रों में छिपकली के दिखने और उससे जड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पर गिरी है इससे भी भविष्य की शुभ अशुभता जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार छिपकली यदि दिवाली की रात में दिख जाए तो उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके आने से वर्षों के लिए वह घर सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेती है। पंडित जी से जानिए छिपकली का ये टोटका। अगर इस दिन दिखाई दे छिपकली, अगर आपको अपने घर में दिवाली की रात में छिपकली दिख जाए तो यह आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार के पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव ही बनी रहेगी। साथ ही अगर आपका खाना खा रहे हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यह आपको आने वाले किसी शुभ समाचार का संकेत देती है, या फिर आपको जल्द ही कोई शुभ फल मिलने वाला है। और अगर छिपकली आपको समागम दिखाई जाए तो जरूर आपका कोई पुराना मित्र मिलने वाला है। जरूर करें ये टोटका। अगर आपको घर में कभी भी छिपकली दिख जाए तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कुंकू चल चावल ले आए और उसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दे। ये काम करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का मुराद को भी लेके रखना, यह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। पंडित जी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म है और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको अपने निजी जीवन में ऐसे ही कुछ फायदे चाहिए तो ये उपाय जरूर अपनाएं। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो ला सकूं और आपके जीवन को थोड़ा अच्छा बना सकूं। सो गाइज, मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।